आज हम मिनी मिल बनाएंगे। दूध पाक और पूरी ये रेसिपी आप तृतीया पर्युषण के दिन भी बना सकते हो। पहले हम दूध पाक बना लेते हैं। उसके लिए मैंने आधा कप चावल लिया हुआ है, उसमें 1.5 कप दूध डालेंगे। फिर केसर डालेंगे, जायफल और इलायची को मैंने इस तरह से कूट लिया था पहले, वो डालेंगे और उसे 3 विसल के लिए पका देंगे। तो हमारे चावल 3 विसल बाद अच्छे से पक चुके हैं। अब उसमें 2 कप और दूध डालेंगे। दूध के साथ मैं मलाई भी डाल रही हूँ ताकि हमें दूध पाक में अच्छा क्रीमी टेक्सचर मिले। 1/2 कप शक्कर डालेंगे, शक्कर आप स्वीटनेस के हिसाब से डाल सकते हो आपकी, और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 कप और दूध डाल रही हूँ मैं, और उसे अच्छे से उबलने देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। तब तक हम पूरी का आटा बना लेते हैं। उसके लिए मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया हुआ है, उसमें नमक डालेंगे और तेल डालेंगे 2 चम्मच। और फिर उसमें पानी डाल के उसे आटा गूंद लेंगे। हमें सेमी सॉफ्ट आटा गूंद लेना है इसका, इस तरह से। और फिर उसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देंगे। बीस मिनट बाद आटे की एक लुइया लेंगे इस तरह से, और उसे बेल लेंगे। इस तरह से हम सारी पूरी बेल लेंगे। फिर एक पैन में मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। फिर चेक करेंगे हमारा तेल गरम हो गया है कि नहीं। तेल गरम हो जाए फिर हम सारी पूरियाँ फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, और इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे। दोनों साइड से हमें फ्राई कर लेना है उसे। इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करेंगे तो हमारी सारी पूरी अच्छे से फूल जाएगी। लास्ट में हम दूध पाक में बादाम डालेंगे। अगर आप चौमासा में बना रहे हो तो कागजी बादाम का इस्तेमाल करें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना।